बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू वीकेंड एट ग्लोबल। मैं हूं फरा सादिया। मेरे और मेरी टीम की तरफ से आप सबको हैप्पी वीकेंड। इंजॉय करना है, सेलिब्रेट करना है, जिंदगी को भरपूर तरीके से जीना है। मेरे साथ रूबिया नाम, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह वालेकुम अस्सलाम। और इस दफा मुझे लग रहा है आज आपने कहीं जाना, इतनी हसीन तैयारियां। वीकेंड तो लगता है आपने मनाना है आज कहीं। जाहिर है हम यहां वीकेंड में एट ग्लोबल ही तो मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, कहीं और जाके मनाने की क्या जरूरत है जब हम यहाँ पर ही इतना अच्छा सेलिब्रेट कर सकते हैं। अच्छा, लोग जो हैं, खासकर हमारी जो ख्वातीन हैं, वो इस प्रोग्राम को इतना ज़्यादा पसंद करती हैं। और जो पाकिस्तान से बाहर वाले जो लोग हैं ना, खासकर ख्वातीन, वो ड्रेसेस बड़े गौर से देखती हैं। अच्छा, रियली? लेकिन वो मुझे नहीं देखेंगी गौर से, वो आपके सारे दुपट्टे पे कितना अच्छा काम हुआ हुआ है, झुमके कितने कमाल पहने हुए हैं, ये देखेंगी। नहीं, आप तो माशाल्लाह प्रिंसेस लग रहे हो, ये तो ना कहो, माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे कहते हैं अंजुमन सताइशे बाहमी, हम एक दूसरे की तारीफ करके खुश हैं। शुक्र। रूबी ऐसे तैयार होके आई है जैसे किसी ने रक्षा सजाया होता है। पठान है ना, रक्षा ही समझ आया। और कोई गल नहीं, तैयार तो होके आई है ना, अपने बारे की ख्याल है? देख लो, मेरे मैचिंग करके आ जाती है, पता नहीं क्यों कख कंडा नहीं रहा वालों का, बेड़ा गर्क होया पे। थोड़ा अपने ते ध्यान दे, तवज्जो दे। हाँ, अच्छा जी, ये जरूरी होता है, पता है जी? बिल्कुल बिल्कुल, ये सिर्फ खवातीन के लिए जरूरी नहीं है, आपको भी अपने ऊपर ध्यान और तवज्जो देनी चाहिए। उनसे जलने से कुछ नहीं होगा, अपने ऊपर तवज्जो देने से कुछ चीजें बेहतर होंगी। नहीं, लोग मुझे कहते हैं आप खूबसूरत हैं। हाँ, सही कहते हैं। अरे वाह, ये तो नई बात थी। अच्छा जी, हम जब भी प्रोग्राम शुरू करते हैं तो कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी बात आप इसमें करें जो कि हम लोगों को लगे कि यार ये बात नहीं सीखी है। मुझे एक बात जो अच्छी लगी है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, ये है, हम में से हर एक को अच्छा लगता है ना कि हमें चाहा जाए, हमें पसंद किया जाए। और वो जो एक लफ्ज़ आई लव यू, हम समझते हैं कि पता नहीं इसका मतलब क्या होना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ एक है, और वो ये है कि कोई आपको अपनी ज़िंदगी में कितनी अहमियत देता है। अगर आपकी अहमियत नहीं है ना उसकी ज़िंदगी में, तो उस ये लव्स बिल्कुल बेमानी है। हाँ, इसका और कोई मतलब नहीं है। है क्या मतलब है? आई लव यू किसने इजाद की है? आपने, चाइना, आप जैसे लोगों ने, चाइना ने इजाद की है। अच्छा, ना इसकी वारंटी है ना गारंटी है। चले तो आसमान तक, ना चले तो शाम तक। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आई लव यू कहने वाले हर बंदे पे यकीन कर लिया जाए। यकीन उसी पे करें जिसके एक्शंस जो है वो रिफ्लेक्ट करें। और उसको क्राइटेरिया, आज तक ना क्राइटेरिया नहीं हमें पता चला कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो लव्स कह रहा है, ये और शी एक्चुअली मींस इट। तो उसका एक ही तरीका है जांचने का, थोड़ा वक्त दें और ये देखें कि आपकी, उस बंदे की, उस शख्स की, उन लोगों की ज़िंदगी में कितनी अहमियत है और क्या अहमियत है। अगर है तो लव्स सच्चे हैं, और अगर नहीं है तो सिर्फ लफ्ज़ हैं, और लफ्ज़ों के पीछे ज़िंदगी गंवाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। वाह, सो इसके साथ शुरू करेंगे अपना आज का प्रोग्राम। क्या बात है, क्या बात है फरा, आप इतना आला मैसेज देते हो ना, जो हम बात कर रहे होते हैं कि पूर असर असर करने वाली जो बात है, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बातों में वो ताकत और वो असर अल्लाह ताला की रहमत से आना शुरू हो गया। अच्छा, बहुत शुक्रिया। लेकिन आपने सुना, मैं एक वाकया बड़ा मशहूर कि एक बंदा था, उसने कहा जी मुझे एक बंदा मिला, वो मैं नया नया वो था, मेरे पास पैसा था और उसके पास तजर्बा था। अच्छा, मैंने पूछा फिर क्या हुआ? उसने कहा उसके पास पैसा है, मेरे पास तजर्बा। अच्छा, मेरे को ते ना तजर्बा ते ना मैं पैसे नु इतनी अहमियत देनी आ। मेरी तो लाइफ में सिर्फ ये है कि प्यार बांटो और दिल से किसी की इज्जत करो, तो मालिक की कायनात उसके दिल में आपकी जगह खुद ही बना देंगे। हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन तजर्बा एट द कॉस्ट ऑफ समथिंग फिर भी वर्थ है, लेकिन कोशिश देखे लेंगे, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए जो भी तजर्बा आप ले रहे हैं। मैं अपने मेहमानों का भी तारुफ करवाऊँ यहाँ पे। वो हमारे भी मेहमान हैं, आपके भी मेहमान हैं, हम सब के मेहमान हैं, बल्कि आपके तो हमसे भी ज़्यादा होंगे। इससे कि अगर आप पीटीवी ग्लोबल देख रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप जुड़े हुए हैं अपने वतन से, अपने देश से, उसकी यादों से, उसकी बातों से। और जिस मेहमान से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, मुझे यकीन है आपने ज़रूर उनके बहुत से ज़बरदस्त ड्रामे देखे होंगे, खूबसूरत परफॉर्मेंसेज देखी होंगी। कई जगहों पे ये विलन बन के भी आए, कई जगहों पे हमें डिफरेंट एक्टिंग करते हुए दिखाई दिए। आजकल ना ये जो खौफनाक किस्म की खबरें हमें सुनाई देती हैं ना, ये उन सबको स्पेयर हेड कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, और एक ऐसे चैनल से मुंसलिक हैं जो सिर्फ खबरें देता है और ख़बरों के बारे में हमें आगाह रखता है। सो मेरे साथ हैं हमारे बड़े ज़बरदस्त से एक्टर यूनुस सुहेल साहब। वालेकुम सलाम, कैसे बहुत, आप? बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पर मौका फ्राहम किया, इतनी खूबसूरत महफिल, इतने मजे के प्यारे प्यारे गेस्ट आपके। और वैसे तो गेस्ट तो हमारे आप हैं। ये तो ये मेजबान है, रूबी है ना। हाँ, ये बहुत उठ के आई है। अल्लाह आपको सलामत रखे। रूबी वैसे भी एक ज्वेलरी का नाम है ना, रूबी वैसे भी, तो ये वाकई रूबी है।
ये रूबी की तरह रूबी ही है। बाकी फरा के बारे में क्या कहूँ, कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, माशाल्लाह सबको पता है कि वो कितनी अच्छी है और कितनी प्यारी है। मैं तो इसकी खुद तारीफ करती हूँ, बहुत मेहनत। इसमें कोई शक नहीं, इसमें दूसरी बात कहने की जरूरत नहीं है। शुक्रिया। और ये बच्चा भी नौजवान है, ये बच्चा तो नहीं, खुदा दा खौफ खाओ, नौजवान बच्चे है, ये बच्चा ही है। नहीं कितने बच्चा, जिन्हें अगर 250 बच्चे नहीं, वो कहा था बच्चा। नहीं नहीं 250 बच्चे हैं, लेकिन बाकी मतलब हम तो दिलदार को, दिलदार उन लोगों में से जिन्हें हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे होते थे जब से हम देख रहे हैं। बिल्कुल, देखें प्लीज कहिएगा पहले तो 250 की भी और अपने बड़े होने की भी। देखें शॉर्ट बात है कि ख्वातीन जब 36 की होती है ना तो वो बड़ी बड़ी लगना शुरू हो जाती है, मर्द जब 40 का होता है ना तो ग्रेसफुल होना शुरू हो जाता है। ये अक्सर मर्द इसी गलत फहमी में मारे जाते हैं, खाना खराब अपना कर लिया, इन्हें कक कंडा नहीं रहा, सिर तुआ होने पता लगे कि ना कजुआ। अच्छा वैसे आपने आपने एक्सेप्ट किया ग्रेसफुली अपनी एज को और अपने सब चीजों को? मेरे ख्याल में हर आदमी को करना चाहिए और हर उम्र के एक अपनी एक खूबसूरती है। आप यंग होते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट कुछ और होती है, आप उस तरह की चीजें कर रहे होते हैं, और जब एक स्पेसिफिक में इस एज में आता है तो आदमी को खुद समझदारी के साथ उस एज के कुछ जो तकाजे हैं उसको जरूर समझना चाहिए। नहीं अच्छा लगता कि वो वाली बात में अब करूं तो अच्छा नहीं लगेगा, मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है ये। आप जेबा जी को कभी मुलाकात करें तो जेबा जी, फिल्म स्टार जेबा जी, हाँ जी, हाँ उन्होंने जी। हर एज के साथ अपने आप को वैसे वैसे चेंज किया है और आज भी जब उनसे मुलाकात हो तो आप यकीन जानिए लगता है जैसे महफिल ऐसे बाहर हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल अपनी एज से अलग फैशन नहीं करती, ना कोई ओवर मेकअप, ना कोई ओवर ज्वेलरी, इतनी डिसेंट, सुभान अल्लाह। इसीलिए तो वो लोग लेजेंड हैं, क्योंकि खूबसूरती के ना दो होते हैं, एक होती है जवानी की खूबसूरती, एक होती है ग्रेस की खूबसूरती। ग्रेस ये असल बात यही है। और वैसे भी उम्र शुमर ये सब ऐसे ही है, बात है कोई भी दौर हो, कोई भी एज हो आपकी, तो उसमें आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हैं, आप कैसे बात करते हैं, कैसे लोगों के साथ रहते हैं, ये है खूबसूरती। आप लोगों के लिए, आप किसी को दुख नहीं दे रहे, आप किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा रहे, आप लोगों के लिए बढ़ के काम करते हैं या हेल्प करते हैं, वो आपके चेहरे पर नजर आती है, वो ताजगी, वो मोहब्बत, वो प्यार, आप सब कुछ आपको आपके फेस पर नजर आ जाना शुरू हो जाता है। क्या बात, इस खूबसूरत बात पे यूनुस सुहेल साहब के लिए एक शेर अर्ज करता हूँ के डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, यूनुस सुहेल लाखों में एक। वाह क्या बात है, शुक्रिया, दिलदार छा गया भाई, क्या बात। अरे ये आपने बचपन में, झूठ मत बोलिएगा, सच्ची बताइएगा, आपने ये बचपन में जरूर सुना होगा। मैंने बहुत लिखा भी होगा, हमें खेलते होते थे ये कर करके, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, फलाना फलाना, लाखों में एक। देखिए मैंने आपको आपका बचपन याद करवाया, मरे नवी गल कर, वधिया गल कर, रोज ऐसे फिके शेर सुनांदा है। वैसे ये रिसर्च किधर करता है? पर मैं इस मेरा दिल कर देता कागज गुवा दें जरा। आप लोग तो, मैं और फरा तो बिल्कुल फिल्म पर ही काम कर रहे होते हैं, मैं इसको देख रही होती हूं। देखें मैंने कोई कागज देखा है? मैं आपको देख रहा हूं, देखिए ये इधर इधर सारे कागज उधर। वो एक हमारे प्रोड्यूसर थे स्टेज के, तो स्टेज की जब रिहर्सल होती थी तो वो संसर वाले आते थे ना उसकी रिहर्सल देखने के लिए, तो उसे वो कहते थे कि यार वो स्क्रिप्ट कहाँ है, वो कहता था इधर है स्क्रिप्ट, इधर है, ठीक है। मैंने कहा इधर। अच्छा मुल्तान से ताल्लुक, मुल्तान से इस्लामाबाद तक का सफर और एक्टिंग को मुंतखब करना, मेरे ख्याल साथ साथ कोई और जॉब भी कर रहे थे आप, ये हमें बताइए कि ये क्या दास्तान। मैंने मुल्तान रेडियो से अपनी इब्तिदा की, मतलब मैं कोई स्काई लैबर नहीं हूँ कि बाकायदा तौर पर रेडियो पर, मुल्तान रेडियो पर एज ए एक्टर, एज ए ड्रामा आर्टिस्ट भी, कंपेयर भी, एज ए अनाउंसर भी काम किया। वाह। फिर मुल्तान थिएटर किया, और वो वाला थिएटर किया जो फैमिली थिएटर था, जो मौजूदा थिएटर है मैं वो थिएटर नहीं कर सकता, मैं ओन करता हूँ इस वक्त, बिकॉज मेरी सोच बड़ी क्लियर है कि मैं वो ड्रामा या वो काम करूँगा जिसको मैं अपनी बहन, माँ और बेटी को दिखा सकूँ। अगर वो मैं नहीं कर सकता तो मुझे वो उसका पार्ट नहीं होना चाहिए। क्या बात, जबरदस्त। तो दूसरी बात
उस पर नहीं। उस जमाने में वैसे भी बहुत मुल्तान रेडियो पे भी और थिएटर पे भी बहुत शानदार अच्छे सुहेल असगर एक बहुत बड़ा नाम सुहेल भाई के साथ, अल्लाह जन्नत में जगह दे, बहुत प्यारा बहुत शानदार फनकार। उसके बाद हम दोनों मैं और सुहेल भाई मुल्तान से निकलते हैं और लाहौर पहुंचते हैं। ठीक है। और मुल्तान से जब निकले तो हमारे पास एक सुहेल भाई के पास एक सफ़ेद मोटरसाइकिल हुआ करती थी और मेरे पास वेस्पा। अच्छा। और हम लाहौर में फिरते थे और भागना दौड़ना रोजी रोटी कमाने रेडियो भी करना। लाहौर टीवी हमने बहुत किया और अल्लाह मियाँ ने सुहेल भाई को बहुत नाम दिया और बहुत शानदार काम हो गया। उसी ज़माने में एक नई चीज़ थी हमारे लिए कि हम मुख्तलिफ कमर्शल्स किया करते थे। यस, हाँ। बैकग्राउंड वाइस आपको बहुत सारे तो वो एक एक्सपीरियंस मुझे वहाँ जाके भी हुआ। फिर मैं मुल्तान वापस आया और मैंने मास्टर्स किया जिक्र यूनिवर्सिटी से उर्दू लिटरेचर में और वहाँ से करके मैं इस्लामाबाद का मेरा सफ़र शुरू होता है। ठीक है। मास्टर करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? हाँ जी, मास्टर्स करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? एक्चुअली मास्टर इसलिए करने की ज़रूरत थी कि मेरे मुझे एक शौक था कि मुझे बनना ही टेलीविजन का प्रोड्यूसर है। मैं अपनी सोच के मुताबिक अपनी प्रोडक्शन करना चाहता था। ठीक है। वाह। तो मैं उसके लिए बाकायदा तौर पर बेसिक रिक्वायरमेंट थी। लेकिन फिर जब मैं यहाँ आया तो एज एन एक्टर यहाँ पर मैंने सबसे पहले शाकिर साहब के साथ अपना काम की इब्तदा की। पाकिस्तान टेलीविजन इस्लामाबाद सेंटर पर उससे फाइनेस्ट आदमी मैंने नहीं देखा। वो मेरे उस्ताद हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, मोहसन हैं, कोई भी आप नाम दे दें, इज अ वंडरफुल, इज अ वंडरफुल पर्सन। नो हैरेसमेंट, जिस जमाने में बड़ी एक्सप्लॉइटेशन हम सुनते थे, शरीफ और नफ्स आदमी, एक ऐसा शख्स जिसकी आंखों में हया है और उसकी वजह उनकी निस्बतदारी है कि वो मतलब बियॉन्ड इन चीज़ों के, कोई इस तरह का काम नहीं, काम करना है एक्टर से, काम लेना है और बस वही काम। और इतनी लिबर्टी एक्टर को देते थे, इतनी स्पेस देते थे कि आदमी जाए करे, और कोई चीज़ भी आपके जहन में आई है कि मैं ये सर ये कर लूँ, इसमें ये चीज़ ऐड कर लूँ, अगर पसंद आई तो ठीक है, नहीं तो कहेगा नहीं ये नहीं करना। फिर दूसरा नाम मरहूम जमशेद पशोरी जी, मैंने उनके साथ बहुत काम किया। उनका एक सीरियल स्टार्ट किया यहाँ से, मैं, लैला, आसिफ सीमाब, रावल जुगनी, यहाँ से ये मेरी इब्तदा इस्लामाबाद सेंटर से। आया मैं जब यहाँ पर तो एक ड्रामे के लिए आया था। वैसे ये कौन सा जमाना था, इस्लामाबाद कैसा था उस वक्त? उस वक्त इस्लामाबाद है ना ठंडा ठंडा था, बहुत ही ठंडा था, लेकिन उस वक्त एक अच्छी चीज़ ये हो गई थी कि डिसार हुसैन साहब यहाँ पर जनरल मैनेजर थे। ठीक है। और शाकिर साहब सीरियल अपना गेस्ट हाउस शुरू करने लगे थे, वो मुझे कहें तू आ जा, तू आ जा, मैं नहीं आ सका। और फिर जब मैं आया एक एक ड्रामे के लिए, तो आज मैं आपको एक बड़ी ईमानदारी की बात बताऊँ, मैं अगर इस शहर में हूँ तो सैयद शाकिर उज़ैर की वजह से। मैं आया, मैंने कहा जी मैं एक जगह पर जॉब कर रहा हूँ लाहौर में, तो मैं नहीं आ सकता। उन्होंने कहा तू आ तो सही, आ जा। आया मैंने ड्रामा किया, मैंने अपना कार्ड दिखाया कि जॉब कर रहे हैं, ये कार्ड, मैंने कार्ड फाड़ के, पुत्र आज के बाद तेरा ऐ शहर है, तू इत्थे है। क्या बात है। अच्छा। बहुत मौलाई आदमी है, बहुत शानदार आदमी। सर मैं उस दिन के बाद इस शहर से कहीं नहीं गया। मैं था कि क्या करूँ, कहाँ, अभी रात होटल में रह के तो आ गए, वापसी का सफर। नहीं बेटा चल मेरे नाल, रोजी रिस्क तेन रब ही देगा। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह टेलीविजन भी किया, बेनतहा किया, यहाँ की एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के साथ काम किया, उनको कमर्शियल्स बना के दिए, डॉक्यूमेंट्रीज बना के दी, और पाकिस्तान टेलीविजन पर बेनतहा डॉक्यूमेंट्रीज भी की, कमर्शियल्स भी किए। जिस ज़माने में जमशेद साहब का यहाँ स्टूडियो हुआ करता था, नेशनल स्टूडियो, और आसिफ खान साहब का, तो हम तीन चार लोग थे जो हर कमर्शियल की बैकग्राउंड वॉइस थे। ठीक है। और जिनमें तौसीक, सादिया, आलिया, हम सब लोग। और लेकिन बड़ा मज़े का ज़माना था। हाँ। फरा आप तो साथ थी। और इतना मज़ा आता था कि गेस्ट हाउस में मैं सेकेंड हाइएस्ट हूँ जिसने सबसे ज्यादा वैरायटी रोल्स किए। कभी पहलवान आ गया, कभी निजूमी आ गया, कभी ब्यूरोक्रेट बन गया, कभी कुछ बन गया। सो लिबर्टी शाकिर साहब ने हमें दी, और टीम को बिठाना, शेयर करना, एक एक बात बतानी
कि यार ये रोल है, इस रोल से बाहर नहीं निकलना। हाँ ऑप्शन है तुम्हारे पास तो शेयर करो, तो ये बड़ी बात है, वरना बात प्रोड्यूसर्स का रवैया आप बिल्कुल समझती हैं। अच्छा उसमें सरवत अतीक साहिबा के साथ आपको क्या तजुर्बा शेयर किया? क्या बात है, बहुत बड़ी आर्टिस्ट है, बहुत बड़ी आर्टिस्ट, उनका साहबजादा जो है वो आज भी हमारे साथ काम करता है उमर, वो भी उतना ही क्रिएटिव है। अच्छा माशाल्लाह, वो पूरी फैमिली बहुत शानदार, यानी कि उनके जो मियाँ साहब अतीकुल्ला शेख साहब मरहूम रेडियो पाकिस्तान में प्रोग्राम मैनेजर हुआ करते थे, तो सारे लोग क्रिएटिव है। अच्छा इस्लामाबाद सेंटर जो है निस्बतन जरा नया सेंटर बाकी की निस्बत, और जरा हमेशा से सियासी रहा, सरकारी रहा, सरकारी रहा, सरकारी रहा, तो यहाँ पे ड्रामा आर्टिस्ट के तौर पे आना और यहाँ पे डेरा डालना और फिर यहाँ पे जिंदगी गुजारने का सोचना, ये बड़ा अजीब सा डिसीजन लगता है। वैसे लाहौर को छोड़ के जो कि फिल्म नगरी, एक तो दाता नगरी और दूसरे से फिल्म नगरी कहते थे। आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, ये ऐसी ही बात है, लेकिन जब मोहब्बतें ज्यादा हो जाए ना, आपको इतनी मोहब्बत मिले, चीजें आप कर रहे हो, लिबर्टी मिले, ये जो ज़हनी आसूदगी है ना, इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। आपको स्पेस मिल रही है, चीजें कर रहे हैं, और ये उस वक्त शहर में एक्टिविटी शुरू हो चुकी थी, गेस्ट हाउस हुआ, आप देखें वो नासिर इकबाल, खालिद हफीज साहब, अफजल खान, अपना मरहूम, अपना तारिक मलिक, हमें उन लोगों को याद करना चाहिए जो अब हमें नहीं है, वो टीम के, वो तो अफजल खान रैंबो, क्या बात, उसको और इज्जत दे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद स्टेशन जो है वो सामने आया। उसके बाद आप देखें रेगुलर ड्रामा सीरियल शुरू हो गए, उसके बाद मैंने गजनफर बुखारी साहब का सीरियल जीस्त में लैला, और मुझे अच्छी, मैं तो अपने लिए फख्र की बात समझता हूँ कि इतने प्यारे और सीनियर लोगों के साथ काम करना, डॉक्टर खालिद सईद भट्ट साहब के साथ काम किया, फिर अनीला शाहीन साहबा का एक सीरियल था गुडी गुडी, वो हो गया, क्योंकि फारूक साहब, फारूक कैसर साहब के साथ जब आप काम करते हैं तो उसका भी एक अपना ही मजा था। बिल्कुल, ये तो वो जो रात की महफिलें थी ना हमारी, अब दुनिया में नहीं है, लेकिन ये है कि वो उनके घर जाना, भाभी का खाना देना, चीजें करनी, और रात पूरी रात हमने एंजॉय करना सबने। और अगर आप बड़े आदमी के महफिल से दो लाइनें सीख कर आ जाते, अगर आपकी जिंदगी पर वो असर कर जाए तो आपकी जिंदगी में चेंज आती है। बेशक बेशक, यही कमाल होता है ना बड़े लोगों का, कि वो पारस पत्थर की तरह होते हैं, जिसको छू ले उसे सोना कर देते हैं, यही तो उनका कमाल है। बल्कि हमने आप पर, मैंने एक सीरियल किया था शाकिर साहब का, हाँ, अजल, हाँ, बहुत शानदार, और उसमें महमूद असलम साहब थे, और यानी एक दौर था, मुसलसल ड्रामा हो रहा था इस्लामाबाद सेंटर से, और बहुत अच्छा हुआ, और अच्छा ड्रामा हो रहा था, बहुत अच्छा ड्रामा हो रहा। अब वो स्टूडियोज हैं, उनको छोटा 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 करके न्यू स्टूडियो बना दिया गया, वहाँ पे हर वक्त खबर। वैसे आप भी तो, आपने भी तो यही किया, अच्छे खासे ड्रामा और ये एंटरटेनमेंट से निकल के, तो अब आप सिर्फ खबरी खबरी बने हुए हैं, मुखबर बने हुए हैं। रोजी रोटी बहुत कुछ करवा देती है, ये भी एक मजबूरी है, लेकिन मैं एक बात बताऊँ कि एक टेलीविजन के अंदर काम करना और एक प्राइवेट सेक्टर में जाके जब काम किया, तो फरा बहुत बहुत चेंज आई, समझ आई कि असल चीज़ें हैं क्या। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नाम, पर बड़े लोग तो नहीं थे वो, बड़े बड़े नाम थे, जो वहाँ जाके समझ आए कि ये बड़े नहीं हैं। आई एम सॉरी टू से, अब वो बड़े नहीं हैं। मैं कहूँ मेरा प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं बहुत बड़ा एंकर हूँ, मैं तुरंत खाऊँ हूँ, मैं आपको रेटिंग, रैंकिंग, रेवेन्यू, सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं, हर चीज़ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। आपको पता चल जाएगा दो मिनट में कि इसकी रेटिंग क्या है, इसकी रैंकिंग क्या है, और ये किस जगह पे खड़ा है इसका प्रोग्राम, जो अपने आप को बहुत तुरम कह रहा है, वो तुरम नहीं है। अच्छा लेकिन क्या आप रेटिंग के क्राइटेरिया पे एग्री करते हैं? क्योंकि हमने, हम सब को ये भी एक बड़ा स्कैंडल सामने आया कि फ्लॉड है, और हमारे मीडिया का जो पूरे एक ज़माना था, जिस ज़माने की आप बात करें, जिस ज़माने को आप याद करें, उस ज़माने में कोई रेटिंग नहीं आती थी, हालांकि ठीक है और चैनल्स भी नहीं थे, लेकिन रेटिंग वो होती थी जो ज़बाने ज़दे आम होता था, लोगों की राय रेटिंग थी। अगर अंधेरा उजाला हिट होता था तो हम बच्चे होते थे, हम भाग के घरों में जाते थे, हमें पता होता था इस टाइम पर ड्रामा आना, हमने जाके देखना है। अब ये रेटिंग है, पर एक रेटिंग ये है कि लोग तो कुछ और कह रहे हैं और आपका जो रेटिंग चार्ट है वो कुछ और कह रहे हैं, और रेटिंग हमेशा उस चीज़ की आ रही है जो इंतहाई नामुनासिब है, ना जेबा है, जो जिसमें लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है, दंगा फसाद भी हो रहा है, चीख चिंगाड़ भी हो रही है, जिसमें थप्पड़ भी मारे जा रहे हैं, ड्रामों की बात करें खवातीन को, तो रेटिंग का क्राइटेरिया तो फिर ये है। फरा आपकी बात काफ़ी हद तक सही है,
प्रॉब्लम यह है कि जिस जमाने की मैं पहले बात कर रहा था वो प्योर एक पाकिस्तान टेलीविजन का जमाना था जी। जिसके अंदर सारी चीजें ही थी। अब ऑप्शंस लोगों के पास बहुत ज्यादा हैं। लोग एक रिमोट आपके हाथ में है और आप मुख्तलिफ चैनल्स पे, अब एंटरटेनमेंट चैनल्स को देखने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन जब आ जाते हैं तो आपको समझ आती है कि इस वक्त क्या है, इस वक्त क्या चीज। मजबूरी तमाम लोगों की यही है कि जो रेटिंग का पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम है वाहिद एक है जिसके ऊपर कंसेंसस है जी। और सारे उस बात को मानते हैं, ना सिर्फ सारे मानते हैं बल्कि इस बात पे एग्रीड हैं कि उसी से रेवेन्यू आना है। तो रेवेन्यू उसी से आना है जब, तो वो सिस्टम एक्सेप्टेबल है सबके लिए। अच्छा, इस पर थोड़ा सा बात करें रूबी, आपका क्या ख्याल है, आज अगर आप यहाँ बाहर बंदर का तमाशा लगा लें, मदारी बन जाएं, डुगडुगी बजाना शुरू कर दें, देखें कितने लोग इकट्ठे होते हैं, ऐसे वायरल होगी वीडियो, ऐसे आप यहाँ अभी यहाँ दो ठुमके लगाएं, देखिए कैसे वायरल होती है, कैसे रेटिंग आती है। तो देन क्राइटेरिया, व्हाट इज द क्राइटेरिया देन, कि ये जो अब हम सोशल मीडिया पर जब हम अपने कल्चर की बात करते हैं कि हमारी वैल्यूज खत्म हो गई, ये क्या हुआ पिछले 10 सालों में जिससे एकदम से हमारी तमाम वैल्यूज खत्म हो गई? उसमें मुझे लगता है हमारे मीडिया का किरदार सिर्फ ये रहा कि पाकिस्तान टेलीविजन हमेशा ज़बान की दुरुस्तगी, लिबास की दुरुस्तगी, अंदाज की दुरुस्तगी, आपने वहाँ पे किसी तरह का प्रेजुडिस नहीं, कोई तासुब नहीं, कोई लिसानियत नहीं, कोई इलाकाइत नहीं, कोई फोहश नहीं, इन तमाम चीज़ों के ऊपर चेक्स थे। प्राइवेट मीडिया ने आके आई एम सॉरी फ्रीडम तो दिया मगर ये सारे चेक्स उठा लिए, तो वो जो एक सैलाब आया है फिर उसने सबको बहा के ले गया, उसने किसी को नहीं छोड़ा। टेलीविजन एक खूबसूरती थी, पाकिस्तान टेलीविजन एक खूबसूरती है आज भी, मैं बेशक बेशक बात यह है कि स्क्रिप्ट पहली चीज है और स्क्रिप्ट ही आखिरी चीज है जी। आज भी पाकिस्तान टेलीविजन का जो ड्रामा है आप फैमिली के साथ बैठ के देखते हैं, आप उसके साथ बहुत चीजें, वो आपकी मिट्टी के साथ जुड़ी हुई उसकी कहानी, आपके लोग एक दूसरे के साथ सब कनेक्ट हुए हुए, तो स्क्रिप्ट तो आपका बहुत अच्छा हो गया, टेक्निकली भी आप सेफ हैं, आप आराम से देख रहे हैं, लेकिन मौजूदा जो ड्रामा है वो एक मशल हो गया, ग्लैमराइज्ड हो गया, इसके अंदर एक और तरह की चीज आ गई। अब उसी के अंदर एक अगला फैक्टर शुरू और हो गया और वो ये है कि कहीं भी ग्लैमर से भी आगे की पकड़पन भी आ जाए, वाहियाती भी हो जाए, या इवेंट बेस कोई ऐसी चीज हो जाए जिससे सोशल मीडिया के ऊपर उसका जिक्र होना चले, यानी अपने आप को पॉपुलर करने के जो टूल्स हैं आप समझती हैं कि वो टूल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो सारी चीजें अच्छी नहीं है। उनकी कहानी इतनी तकलीफ दे है कि आप फैमिली के साथ बैठ के देखें, हमारे देखें कितने बड़े बड़े नाम है, अशफाक अहमद साहब, क्या बात, बानो आपा, बानो कुतिया साहिबा, ये बहुत बड़े बड़े लिखारी आपके, ये इंतजार हुसैन साहब का आप नाम ले रहे हैं, अमजद इस्लाम, अमजद साहब ने क्या आपके ड्रामे हैं, असगर नदीम सैयद, असगर नदीम सैयद साहब, आप आज के दौर क्यों लिखना छोड़ गए असगर नदीम सैयद साहब, क्यों उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट करना बंद कर दिया अपना स्क्रिप्ट जो है, क्योंकि सर जो लोगों का मिजाज बदला ना, जब हमने लोगों का मिजाज ही बदल दिया, उनका टेस्ट ही बदल दिया, हमने उनको वो भी दिखाना शुरू कर दिया जो वो अपनी निजी महफिलों में घर जिस काम के लिए मखसूस कुछ जगह थी और वहां जाके देखा करते थे, अब उन्हें आप चैनल के ऊपर दिखा देते हैं सारा कुछ, बोल्डनेस के नाम पर जुल्म किया हमने, तो वो क्यों देखेंगे वो उसमें, फिर जब उनके पास वो बकौल आपके रिमोट की चॉइस आ गई, तो जिस मुल्क की ख्वांदगी का तनासब जो है वो 50% से कम है, जिस मुल्क की आबादी जो 50% से कम आबादी वो है जो कि पढ़ी लिखी नहीं है, जिस मुल्क की आधे से ज़्यादा आबादी वो है जो वोट नहीं डालती, जो टैक्स नहीं देती, क्या वो लोग इतने सेन हैं कि वो ये डिसाइड करें कि कौन सा कंटेंट अच्छा है, कौन सा सिंगर अच्छा है? फिर तो यही होना था ना, जब आप उसके हाथ में, बंदर के हाथ में दे देंगे खंजर निश्तर, तो वो जो सर्जरी करेगा तो फिर यही होगी ना। अच्छा, मैं आप दोनों, मैं आपकी और आपके फरा, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये बात मेरे हाथ से निकल जाएगी। हम लोग कर रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन की बात, जिस दौर में हम लोग काम करते थे, जिस दौर में शुरू किया, उस दौर में ना कभी ये नहीं होता था कि ये मास्टर और क्लोज वर्क, ये जब आर्टिस्टों के पास काम ज्यादा आया ना तो उन्हें कह दिया तुसी मेरा फटाफट कर लो वो काम, काम आपका खराब हुआ तब आप अपने किसी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर की फेवरेट है या पीछे से आपके कोई कॉल है, उन्हें कहा जी एदा क्लोज वर्क कर लो, इन्हें कितने होर जाके काम करना है, वो क्लोज वर्क ने भी पीटीवी पे
हमारे सामने ही असर डाला। नहीं नहीं, पीटीवी के तो 3 कैमरा रूबी चलता था, 4 कैमरा 3 हाँ जी, हमारे सामने जब हमारा दौर था तो ये 3 कैमरे ऐसे थे, और हमें याद होता था कि हमने 50 लाइनें तो 50 दफा हमने फुल एक्सप्रेशन से काम करना है, और अफजाल अहमद जैसे लोगों जालम बंदे के साथ काम करना, या इरफान कोसट साहब के साथ, या जमील फखरी साहब के साथ, आपको आपके 14 तबक रोशन हो जाते थे। 6-8 CRs होती थी। उफ अल्लाह, आपके मल्टीपल कैमरास कट हो रहे होते थे, आप निकल ही नहीं सकते। फिर एक ऐसा टाइम हमारे सामने आया कि उन्होंने कहा जी मास्टर कर लो ते तुसी एदा क्लोज वर्क कर लो। मतलब प्राइवेट मीडिया आया। ना 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 ना, जब सिंगल कैमरा आया, प्राइवेट मीडिया आया ना, तो फिर वो जो 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 यहाँ काम कर रहे थे वो बाहर भी बिजी हुए। देखिए इसमें सॉरी आपको, पहली बात जो है स्क्रिप्ट जी, असल चीज है स्क्रिप्ट थी, वो नहीं है अब प्राइवेट सेक्टर के अंदर जी। बोल्डनेस के नाम पर, कमर्शियलिज्म के नाम पर, ग्लैमरस के नाम पर वो जो कहानी प्रेजेंट कर रहे हैं वो पाकिस्तान के 10% अवाम की कहानी नहीं है। नहीं है, नहीं है, है कि उसमें रिश्तों की पामाली से ज्यादा की कहानी नहीं है। वो जो 90% हमने जाया कर दिया ना अपनी अवाम, जो जमीन के साथ जुड़ी हुई है, जो हमारी इस मिट्टी के साथ जुड़ी हुई है, उनकी कहानियां, वो किरदार कौन कहेगा, दाढ़ी लगा, मूछ लगा अपना, वो कहते हैं जी ड्राइंग रूम बिठाओ, टक टक करो, खूबसूरत प्यारे प्यारे लगो। हाँ। अब मोहम्मद कबीर खान नहीं बनेगा कोई, अब इरफान खोसट नहीं बनेगा कभी कोई, अब कभी जमील फखरी नहीं बनेगा, सोहेल असगर नहीं बनेगा, अब सिर्फ बनेंगे खूबसूरत। मुझे याद है फरा, एक ड्रामे होते थे लाहौर से, होते थे आज दिया कहानियां, तो उसमें ना वही बंदा काम करता था जिसको वाकई ही काम आता है, तो वो एक दिन की, वो 25 मिनट की होती थी, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग के लिए हमें 3 दिन के लिए, अगर हम कहीं गांव गए हैं तो हमने 3 दिन वहाँ रिकॉर्डिंग करनी है, और जिसने सुबह दाढ़ी लगानी है उसने शाम तक लगानी है, जिसका दुपट्टा यहाँ पे है, और फिर वो अजदी कहानियाँ ऐसी थी कि अगर आप अब भी देखो तो आप रो पड़ो कि ऐसी ऐसी कहानी, सच्ची कहानियां, जो जो लोगों की कहानियां थी उन्हें उठाया गया और उन्हें लाया गया। टीवी के तो अभी भी ड्रामे आप पुराने आप चलाएं तो अभी मजा आता है, अभी भी मजा आता है, आप आराम से बैठ कर देखें सुकून से। अच्छा, लेकिन अगर यंग जनरेशन के कोई व्यूअर आपको देख रहा हुआ ना तो वो कह रहे होंगे सारे बाबे इकट्ठे हुए, एग्जैक्टली इन्होंने कख नहीं पता ये दुनिया में क्या है, पागल अपनी बातें करने लगे। नहीं तो फिर वो सीखते तो इधर से ही है ना, उनका आइडियल कौन है? नहीं, उनका आइडियल कौन है? कौन है जब वो आपका टेलीविजन देखते हैं तो वो कबीर खान साहब का नाम लेते हैं, ख्याम सरदी साहब का नाम लेते हैं, वो नुमान इजाज का नाम लेते हैं, नौमी वो उन फैसल कुरैशी का लेते हैं, आबिद अली, सुबहान अल्लाह। पहली प्राइवेट प्रोडक्शन, हमारी जो यंग लॉट है वो नहीं लेती नाम, अनफॉर्चुनेटली हमारी जो आने वाली नस्ल है वो अपने अंदर अपने बहुत बड़े स्टार्स हैं, उनका तो अब सब चीजें ग्लैमरस हो गई हैं, कमर्शियल हो गई हैं, उस बुनियाद पे अब उनकी प्रायोरिटीज कुछ और हैं, जो अब हम पुराने लोगों की जितने चाहत फतेह अली हिट हो गया, चूल्हे च पैना ते बाकी तो दफा कराओ, बाकी से मैंने कमर्शियल किया था प्राइवेट, यूनिस बड़े बड़े जबरदस्त लाफ्टर दिए हैं, मुझे लगता है आप फॉलो करते हैं और आप बड़ा देखते हैं और सुनते हैं। मैंने कमर्शियल, मैं देख ही नहीं सकता, मैं उसको देख ही नहीं सकता, मैं हाथ जोड़ दूंगा उसके आगे, बस भाई जी बड़ी मेहरबानी थोड़ी। सर साहब आपने कमर्शियल किया है कोई टीवी का कमर्शियल? अभी वो क्या आप कहानी सुना के हटे, उन्होंने बनाए हैं कमर्शियल यार, एज की वजह से कान, आपने इसमें काम किया है, एज की वजह से कान खराब हो गए। सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है, जो यहाँ पे मैं देख रही हूँ ना ब्रो कोड जी, के यूनुस सुहेल साहब मुसल सर के ना, इधर हजे तो मुंडा है, ए मुंडा नहीं, माशाल्लाह सुहेल साहब भी, मैं तो मुंडा है जी, मैं तो मान रहे हैं, देखो मैं तो कोई चीज छुपाई नहीं है, ये तो चेहरे की चमक बता रही है, तुसी नौजवान बुजुर्ग लग रहे हो ये, हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, शुक्र है इधर भी अंजुमन सताईश बहमी जो है वो शुरू हुई है। अच्छा, साबित हुआ मर्द ने जब दूसरे मर्द की तारीफ करनी हो तो वो कहता है तू तो अभी जवान है यार, और औरत ने जब औरत की तारीफ करनी हो तो कहते हैं आप तो खूबसूरत हैं। अच्छा नहीं, हम वैसे कपड़ों की भी तारीफ करती हैं आपस में एक दूसरे के, हेयर स्टाइल की, स्किन अच्छी है, आपका काम अच्छा है, हमारे पास तो 50 बातें सच में करने वाली है, वध तो वध कह देंगे जी मैं तो शेव नहीं करता, हालांकि ये डबल चिन छुपाने के लिए मोस्टली लड़कों ने रखी है। किसी भी खातून की तारीफ करना हर मर्द पर लाजम है। देखें माशाल्लाह फरा
क्या अच्छी ड्रेसिंग, क्या अच्छा बोलने का अंदाज, प्यारी लग रही हैं आप भी माशाल्लाह, उतनी ही प्यारी हैं। बट बंदा अगर किसी बंदे की तारीफ करता है तो बहुत कम ही होता है, तो वो अच्छा होता है तो कहना पड़ता है, अच्छा। लेकिन शुक्र है हम मेकअप से आजाद हैं, टेंशनों से आजाद हैं। अभी मुंह यहाँ अभी का अभी पानी मंगवाया जाए, गर्म पानी का तौलिया लेके आए, मैं एदी जेड़ी ने काले रंग दे ने कीते ने बाल अपने सख्त काले, वो भी मैं तुम बहानी है, जेड़ी बेस कीती है 36 लगाईगा मुझे, कांच के घर में बैठ के पत्थर नहीं मारा करना, मोहतात रहते हैं। ओके जी, हम एक यहाँ पे ब्रेक के लिए रुकेंगे, स्टे विद अस, यू आर वॉचिंग वीकेंड एट ग्लोबल। वेलकम बैक, यू आर वॉचिंग वीकेंड एट ग्लोबल। यूनुस सहेल साहब आज मेरे मेहमान हैं और हम जिसे कहते हैं ना अपने अपनी अपनी जवानी याद कर रहे हैं। नहीं, मेरी तो जवानी है, चुक सकते ने मतलब हले भी मजबूत हो यार, तू कितनी गौर इनी जनी गल से इतना टाइम लेता है वे, तू कैमरा कल्ला ही खाई जाना, तेरा खाना खराब होवे असर चाज दी गल ही कर लेनी सी। अच्छा इतना जो आपने काम किया उसमें कॉमेडी का भी एक बड़ा वो था, सो ये जो मल्टीपल है कॉमेडी देन विलन भी मैंने आपको देखा हुआ है, सीरियस एक्टिंग में भी देखा हुआ है, तो आपने किसको ज्यादा एंजॉय किया और हु वाज योर फेवरेट क्रश उस जमाने में, एक सेलिब्रिटी क्रश? इसमें कोई शक नहीं कि सबसे ज्यादा मैंने कॉमेडी बहुत ज्यादा की और ऐसे रोल्स लकीली ड्यू टू गेस्ट हाउस मिल गए, और उसके फौरन बाद फिर एक सीरियल था शहबाज, उसमें भी मुने भाई का एक रोल था जिसमें एक तकिया कलाम था मेरा, अपना तो लेवल ही नहीं है, ऑल टाइम हैप्पी हैप्पी मनी नो प्रॉब्लम। तो मैंने उसके बाद भी बहुत सारा कॉमेडी किया, लेकिन वक्त के साथ साथ आदमी सीखता है। मैं समझता हूँ कि आपको स्पेसिफिक एक टाइप का एक्टर नहीं होना चाहिए, वर्सटाइलिटी बहुत जरूरी है, वर्सटाइल होना। अगर आप कॉमेडी भी कर रहे हैं, नेगेटिव रोल, मैं नेगेटिव रोल नहीं करता था जानबूझ के, पहले कहता था नहीं यार नहीं, कहीं छाप ना लग जाए कहीं से, लेकिन शाकिर साहब ने एक, मैं जिक्र करूँगा, एक ड्रामा सीरियल था इस तरह, उसमें एक रोल आया तो उसका नाम कुछ और था, मैं उस रोल को बड़ी देर पढ़ता रहा, उसके बाद मैंने अपने फोकस किया अपने, मैंने कहा जी एक आदमी मेरे जहन में आ रहा है बड़ा ज़ोरदार, तो मैं इसका नाम बदलूँगा, उसका नाम मैंने नाम रखा मलिक शबाज। मैंने कहा हमने तो 10 मिनट क्यों रीज़न 10, फिर मैंने उनको रीज़न बताई और थैंक गॉड कि वो एक जुमला उस ड्रामे की जान बन गया। क्या था? मैं कोई तितर बटेर नहीं, ना मैं चील का, मेरा नाम मलिक शबाज है। क्या एक्सप्रेशन! तो वो शबाज को शबाज के साथ वहां पर बुलाया। ये मलिक शबाज कौन था दरअसल? ये एक हमारे रोजनामा पाकिस्तान में एक साहब हुआ करते थे, उनका नाम था, वो एक कॉपीराइटर थे। अच्छा, तो वो एक जुमला बोला करते थे ऐसे ही गुजरते, जरा सा किसी ने उनको छेड़ा ना जरा, तो ओए मैं कोई इल्का नहीं, मैं शबाज है शबाज। अब वो इल्का को आप जरा सा इधर उधर करेंगे तो फिर ही सूरत हाल बदली थी। और बाकी मैं समझता हूँ वो हमने जब गेस्ट हाउस किया तो उसमें इस शहर में बहुत सारे एक्टर नए आए, मरहूम ख्वाजा मसूद ख्वाजा, मैं ख्वाजा को लेके आया। अच्छा। आजकल बल्लो बड़ा ये जुमला उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और बहुत अच्छा पॉपुलर आज हमें वो भी उसको भी याद करना चाहिए, वो हमारा बहुत प्यारा कोलीग था, बहुत प्यारा। शबीर मिर्जा साहब बहुत
अच्छा यूनुस सुहेल साहब इजाजत दीजिएगा, जिस जमाने में आप लोगों ने माइंड नहीं करना है सवाल, नहीं नहीं सो जिस जमाने में आप लोगों ने शुरू किया उस जमाने में एक्टर को रिश्ता नहीं मिलता था, तो शादी कैसे हुई थी? हाँ एक्टर को कोई रिश्ता नहीं देता था, एक्टर को लोग घर किराए पे नहीं देते थे। मैं सही बता रही हूँ आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ। नहीं अगर वो अनपढ़ होए तो फिर एक गल ठीक हो सकती है, अगर कमांडर ना होए तो फिर भी गल ठीक हो सकती है। लोग और अच्छा अगर नहीं समझते नहीं, थे नहीं, ना नहीं। ये आप आके तो एक्टिंग को शोबिज चूंकि जनरेशन आ गई है ना, बाप भी एक्टर है तो बेटा भी एक्टर है, तो एक एक्सेप्टेंस मुआशरे में भी आ गई है, लोगों ने एक्टर के पास प्राडो गाड़ी भी देख ली है, मोबाइल भी नए नए देख लिए हैं, उनको पता है ये पैसे वाले लोग हैं और रिसोर्सफुल भी हैं, कॉन्टेक्ट भी हैं, तो इसे अब एक्टर को वो उस तरह से नहीं समझते। नहीं मैं मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ मेरे, मुझे प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं हुआ, मेरे पास जॉब भी थी अल्हम्दुलिल्लाह, चार पैसे भी थे और फिर वैसे भी शादी कोटे पे हुई, ओपन मैरिड पे, कोटे मतलब फैमिली ची हुई ना, फैमिली में हुई तो इसलिए वो प्रॉब्लम आया नहीं मुझे। तो अगर ओपन मैरिड पे होता तो शायद ये आप वाली बात मुझे देखनी पड़ती है। इनकी बात है कि किराए पे मकान नहीं देते थे, वो इसलिए नहीं देते थे कि ये एक्टर है आगे से एक्टिंग करेगा किराया नहीं देगा। हाँ तो जाहिर है ना, लोगों को आपकी फाइनेंशियल शक होता था। आज तक भी अनफॉर्चुनेटली, हाँ अनफॉर्चुनेटली आज तक भी आप अपने सीनियर तरीन एक्टर्स भी उठा के तो देखें कौन है जिसके बारे में हमने ज्यादा कुछ हैप्पी न्यूज, बड़ी बड़ी दुख की बात है कि जब दुनिया से जा रहे होते हैं तो अक्सर हमें उनकी कोई ना कोई दादो फरियाद जो है वही सुनने को मिल रही होती है, इलाज मुआवजा नहीं हो रहा या उन्हें कोई उन्हें सहूलत में। बहुत पेनफुल बात है कि हमारे बहुत सारे सीनियर एक्टर्स जो अब दुनिया से चले गए उनका मसला यही रहा कि एक एज थी, उन्होंने काम किया चार पैसे, लेकिन मैनेजमेंट नहीं थी एक्चुअली। अच्छा मैं उसको मैनेजमेंट के कैटेगरी में देखता हूँ कि उन्होंने कुछ सेव नहीं किया, अपने बच्चों की एजुकेशन के ऊपर नहीं गए या बाकी चीज़ों पे नहीं गए, तो वो एक ऐसा वक्त जिस आपको ये हवाई काम है, जब आप डिपेंडेंट होते हैं पूरे काम पे इसी काम पे तो फिर ये हवाई काम है, आपके पास नहीं होंगे तो फिर आखिरी सिचुएशन बड़ी नहीं। अभी भी घर में जो एक्टर है जो कमा भी रहे काम कर रहे, अगर वो कुछ सीरियस बात भी करेगा एक्टिंग कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, एक्टिंग ड्रामे में किया करो, ज्यादा एक्टिंग ना करो, उसके इजी लेते हैं उसको। वो रूबी यही आपके देख रही है, मैं बंदा मुंह ना पान दे अगर कोई इस तरह कहे तो। नहीं आप तो एक्टिंग नहीं करती, आप तो नेचुरल बोलती हैं। मैं मजाक नहीं कर रही, जो बंदा कमा के ला रहा है, मेहनत कर रहा है, आपके लिए स्ट्रगल कर रहा है, जिंदगी में पता नहीं क्या सफर कर रहा है, और आप कैसे जुरत कर सकते हैं कि उसके सामने वो आपका मजाक उड़ाए या आपके लिए कोई ऐसी बात करे। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पे बड़ा फख्र है, मेरे पाकिस्तान में मेरी खवातीन जितनी हैं, मैं तो सबको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, खासकर खवातीन को जो मेहनत कर रही हैं और अपने आप को आगे ला के और खड़ा किया हुआ है। बहुत अच्छी बात है, हम सबको चाहिए भी कि अपनी बेटियों को पढ़ाएं, बिल्कुल उनको समझाएं सिखाएं, और ताकि वो सोसाइटी के अंदर जब जाएं तो कॉन्फिडेंस के साथ जाएं, उन्हें पता हो कि मैंने जो काम मैं करने जा, माशाल्लाह बहुत तेजी के साथ अब डोमिनेट कर रही हैं बच्चियां, आप ये देखें कोई भी रिजल्ट्स देखें, आप देखें बच्चियां टॉप पर होती हैं और हर जगह आपको इंशाल्लाह नजर भी आ रही होंगी आने वाले दिनों में भी कि वो किस लेवल पे। एक बच्ची पढ़ती है समझे पूरे खानदान ने पढ़ लिया, ये बड़ी लेकिन ये गल ने सुनी सी किसे को लो ना, या अल्लाह तेरा शुक्र आज को चंगी गल कीती है। लेकिन मॉर्शे के डायनामिक्स नहीं चेंज होने चाहिए, हमारा जो एक शिफ्ट मुसलसल हो रहे हैं ना, हम अगर वेस्टर्न मॉडल पे शिफ्ट होंगे तो हम वेस्टर्न हो नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि लड़कियों को पढ़ना ज़रूर चाहिए, बहुत ज़रूरी, एम्पावर्ड ज़रूर होना चाहिए, लेकिन जो हमारा वैल्यू सिस्टम है, जो हमारी कुछ मज़हब की माशरे की जो कुछ ज़रूरियात तकाज़े हैं, हमें उसको एडहेयर ज़रूर करना है, हम उसको वॉयलेट नहीं कर सकते, मतलब उससे बगावत। जो कोटे की शादी थी अब उसको हो गए कोई 25 साल हो गए हैं और बच्चों में से कोई नहीं आया इस तरह, नहीं क्यों? अभी मेरी वैसे उनको राय ये थी, सजेशन इस तरह की थी कि बेटा पहली चीज़ है एजुकेशन, आप अपनी एजुकेशन मुकम्मल कर लें, उसके बाद जो दिल करता है वो करें, मुझे कोई परवाह नहीं है, आप इस फील्ड में आना चाहें तो ऑफिस में आए, लेकिन पहली बेसिक चीज है वो है, मैं दरमियान में डिट्रैक नहीं होना चाहता कि वो डिट्रैक ना हो। ठीक है, अच्छा अब यूनुस साहब आप एक बड़े यू कैन ओनली डू दिस एनालिसिस बिकॉज आपने ड्रामा साइड भी पूरी देखी हुई जिसे शोबिज इंडस्ट्री कहते हैं, और आपने दूसरी पढ़ा लिखा जो है ना टेलीविजन भी देखा हुआ है जिसे पॉलिटिकल एंकर्स कहते हैं,
सो अब आपको पता है कि वो लोग कैसे होते हैं और ये लोग कैसे होते हैं. हमने दोनों दुनियाओं को बड़े नज़दीक से देखा है. यू आर इन अ पोलिटिकल सर्कल दीज डेज और ज़िंदगी आपने सारी जो है वो गुजारी है एक्टर्स में, फनकारों में. कैसे मुकाबला करते हैं दोनों का? कि मैं समझता हूँ कि ज़ाती तौर पर कि जो हमारा जो न्यूज़ चैनल्स हैं उसमें जो काम करने वाले हैं वो सारे बहुत बीबे, बहुत पेंती रिपोर्टर्स हैं, न्यूज़ डेस्क है, कैमरामैन हैं, एनएलई हैं. ये एक फोर्स है पूरी, जो स्पोर्टिव फोर्स कहते हैं आप इसे. ये हर जगह एक जैसी है, ये ड्रामा इंडस्ट्री. हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है और वो एक सेक्टर है और वो है एंकर बेस, जिसकी तरफ आपका सवाल है. अनफॉर्चुनेटली ये मोस्टली आर स्काई लैबर्स, वो रियल जर्नलिज्म नहीं करने वाले लोग बस आ गए और फिर अपना किसी ना किसी का एजेंडा टो किया और उसको प्रोग्राम को. अच्छा, मैं यहाँ पे आपने मुझसे पूछा कि पॉलिटिकल शो नहीं किया, ये वो, मैंने किया, मैंने छोड़ा. मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन ये है कि एक्टर्स और शोबिज के लोग बहुत मासूम हैं बनिस्बतन ये जो सरकारी और पॉलिटिकल एरिया एंड डोमेन में जो लोग काम करते हैं. दे आर मच शार्पर बिकॉज उनका काम हर हवाले से ऐसी है. शार्पर हर हवाले से. हर हवाले से. हाँ जी, ये जो हमारी जो इंडस्ट्री के लोग हैं ये बहुत मासूम लोग हैं. इन्हें जितना भी कोई बुरा कर लें, इनके स्कैंडल निकाल लें, इनके ऊपर बातें कर लें, ये फिर भी मासूम और जिसे कहना चाहिए. मैं आपसे एग्री करता हूँ. इनसे ये वो उस तरह से नहीं करते जिस तरह से कि हमारी दूसरी जो साइड है न्यूज़ मीडिया की वो प्ले कर रही होती है. मैं आपको कहूँ जो जुमला बोला ना कि जो लोग रियल जर्नलिज्म करने वाले लोग थे, आप उनके प्रोग्रामों में और स्काई लैबर्स के प्रोग्रामों में आप डिफरेंस नजर आएगा. वही जो हम पहले बात कर रहे थे कि कंट्रोल बात होगी, ठीक है, उसको लफ्ज़ का भी पता होगा, प्रोग्रामों के फॉर्मेट में भी रहते हुए कि आपने कैसे उस प्रोग्राम को करना है, तो वो सारी चीज़ें बैलेंस करके चल रही होंगे. लेकिन जो स्काईलैबर्स हैं उनकी तो फिर दुनिया ही नहीं है ना. ठीक है, वो तो अच्छा एक ज़माना जो हमारा था, हमें पाकिस्तान का रोशन चेहरा मुतारिफ कराने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती थी. हम लोग जो कुछ कर रहे थे, आप पाकिस्तान का रोशन चेहरा थी, आप थे जो भी कर रहा था, क्योंकि टेलीविज़न प्रोजेक्ट उन चीज़ों को कर रहा था जो अच्छी थी. हम अपनी बुराइयों को ज़रा कोशिश करते थे कि थोड़ा दबाएं और अपनी अच्छाइयों को उजागर करें. अब आ गए आप लोग न्यूज़ मीडिया, जिन्होंने कोशिश ये करनी शुरू की कि जितनी बुराइयां हैं ना हमारी वो हमने चौक के ऊपर रख के डिस्कस करनी है, और कोई अच्छी बात जो है ना उसका तो जिक्र नहीं होना चाहिए क्योंकि उसकी तो रेटिंग नहीं आती है. सो दैट हैज लेड टू अ डिस्ट्रक्शन इन सोसाइटी. हम अपने पाकिस्तान का वो इमेज पोर्ट्रे नहीं कर रहे सही मानों में अपने चैनल्स के ऊपर. हमें यहाँ पर एक अफरा तफरी मची हुई है, यानी आपको सिर्फ और सिर्फ सियासी जंग लड़ रहे हैं जैसे. 25 स्क्रीनें होंगी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और 25 चैनलों पे वही नजर आ रही होगी. आज का वही वो जो खबर चली है उसी के ऊपर रहने और हमने उसी के साथ खेलते रहना सारा दिन. वो कहते हैं पंजाबी सिर पीड़ हो जाती है, यकीन करो बच्चे तंग आ जाते हैं. कैसे सर्वाइव कर रहे हैं फिर आप इतने इस माहौल में? इतनी पेन होती है, बंदा कहता है यार क्या है, कोई तो एक पॉजिटिव बात कर लो यार, कोई तो कोई अच्छी बात कर. वो एक खबर इतनी चलाते हैं कि जब तक बंदा मुअत्तल ना हो जाए वो खबर चलती नहीं. एक दिन इस पे भी प्रोग्राम कर लें कि देखिए आज पाकिस्तान में कितनी अच्छी बात हुई. अब वो ढूंढनी पड़ेगी भले कि कितनी अच्छी बात क्या हुई है, लेकिन कोई अच्छी परफॉर्मेंस हो गई है, कोई अच्छा एजाज पाकिस्तान को मिल गया है, कोई आपने करनी चाहिए. मैं बिल्कुल आप सही कहता हूँ कि ये जो हम सियासी एक उस वक्त उड़ा उड़ी के जमाने में पड़ गए हैं ना, कि हर वक्त 24 घंटे एक ही मौजू है हमारा, हमें पता नहीं क्या सियासत सियासत खेलने का शौक पैदा हो गया. इवन हमारे एंटरटेनमेंट चैनल में भी आप ये देखें, वहां पर भी एक अजीब है. उनकी मॉर्निंग ट्रांसमिशन उठा कर देख लें, हम पूरी कौम को कॉम्प्लेक्स में मुब्तला कर रहे हैं. कपड़े दिखा, हाँ, कपड़े दिखा दिखा के, मेकअप करा करा के, डांस करा के, मेहंदियां चा दिया. अरे क्या हो गया यार दुनिया में? यही बात जो हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं कि पॉजिटिव चीजें दिखानी चाहिए यार. आप लाओ ना ऐसे लोग जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, उन बच्चियों बच्चों को जो हमारा फ्यूचर है, हमने उनको क्या दिखाना है, क्या देना है? वो नहीं करना. हमने रेटिंग लेनी है, हमने रेटिंग लेनी है, हमने रैंकिंग लेनी है, हम उसके ऊपर रेवेन्यू लेना. अच्छा, ज़िंदगी गुजारने के आपने गुजारी माशाल्लाह, कोई एक चीज़ चेंज कर सकते हो तो क्या चेंज करेंगे अपनी ज़िंदगी में? को बदलने का एक आपके पास ऑप्शन है कि ये ज़िंदगी को आप चेंज कर सकते हैं सिवाय अपनी बेगम तो. नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा भी नहीं है. अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी एक बड़ी ऐसी चीज़ होती है कि तुम अपने फैमिली को कैरी कर दो. अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह.
लाजमी बात है, वो मेरे बच्चों की माँ है, उसको साथ लेके चलना ही चाहिए ताकि आने वाले आप उस एज में आ गए। मेरा बड़ा बेटा जी उसने MBA मार्केटिंग किया, अभी एक जगह जॉब कर रहा है। दूसरा बेटा जो है वो भी उसने BBA किया है। बेटी जो है मेरी अभी वो छोटी है और वो अभी सेकंड ईयर में है, बट ज़ेन उसका फिक्स है कि मैंने डॉक्टर बनना है। सो होपफुली मुझे उम्मीद है कि वो डॉक्टर बनेंगे बिकॉज बहुत बेहतर है। तो बदलेंगे क्या ज़िंदगी में? समझता कि कोई मैं अपने आप को ही चेंज कर सकूंगा। क्या आप चेंज करेंगे? अपने आप में भी कुछ चेंज करें तो क्या करेंगे? आपको इख्तियार है, आप अपनी जिंदगी को मतलब यू कैन जस्ट गो एंड रिवाइंड योर लाइफ की यहाँ से ना ये बदल दो, इतना सा पोर्शन बदल दो। नहीं ऐसे नहीं हो सकता, मैं जमाने को नहीं बदल सकता। मेरे पास ना इख्तियार है ना मेरे पास वो चीजें हैं। मैं अपने आप में बहुत सारी चीजें हैं, अपनी आदत हैं, अपनी बाकी एम्स हैं, अपनी ख्वाहिशें हैं, वो मैं कट डाउन करना चाहूँगा। अच्छा। बहुत सारी कि बहुत सारी शायद मेरे बहुत सारे ख्वाब थे, बहुत सारी चीज़ें थी। अब मैं जो हालात देखता हूँ मैं नहीं समझता कि वो चीज़ें हो सकेंगी मेरे से। तो मुझे अपने आप को रिड्यूस करना है, उन्हीं चीज़ों को रिड्यूस करना है और फोकस करना है अपने पे, अपने कुलीग्स पे, अपने दोस्तों पे, अपनी फैमिली पे। बट मैं एक फैमिली मैन भी हूँ और दोस्तों का यारों का यार भी हूँ। तो सारे लोग दोस्त ये बाकी साथी भी बता देंगे आपको कि मैं हमेशा हल्ला गुल्ला चीज़ें कंपनी पार्टी चीज़ें करने का शौक, लेकिन वो वाली पार्टी नहीं, सादी पार्टी। पार्टी पार्टी है वो तो है कि जिंदगी नहीं नहीं वो नहीं 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 हैप्पी तो ना तो एडवांटेज नहीं लेना नहीं नहीं फड़न खान वाली पार्टी नहीं है ते जड़ी है दोस्तां यारां दीआं गप्पां खाना तुसी बारबेक्यू राती कर रहे हो ठंड च नीचे लग रहे हो। यही खूबसूरती है, यही खूबसूरती है बचपन में शादी जुड़े रहे, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखें। बिल्कुल हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हाँ। बदकिस्मती है कि मैं अपने मेरे पास जरा सा इख्तियार आ गया या कोई चीज आ गई तो मैं अपने आप को आगे मैं शो कर रहा हूँ कि मैं बहुत तुरम खा। नहीं 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 नहीं, गलती मेरे से भी हो सकती है, किसी और से भी हो सकती है, वो छोटे या बड़े का तायुन नहीं हो सकता। गलती गलती है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और छोटा भी कोई अच्छी बात कर सकता है, जरूरी नहीं कि तय ही हो गया कि मैं बुढ़ा आदमी है, मैं ही गर जी मेरी गल सही है, मैं जो कहता हूँ ठीक है। नहीं, छोटा आदमी को बच्चा भी कह सकता है, कोई भी आप कहे उसको एक्सेप्ट करना सीखो। बहुत सारी चीज़ें मैंने लाइफ में मैंने देखा कि मुझे बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता था, मेरा वो फील्ड या मेरी वो डोमेन नहीं थी उस तरह, लेकिन वक्त और हालात में नहीं ऐसी तब्दीली मेरे अंदर लेके आया मैं कि मैं उन बच्चों से उस ज़माने जो हमसे 10 साल आगे हैं अगली नस्ल को हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। वो अल्लाह ताला का आप मॉडल होते हैं। हाँ, वो जो 10 साल हमसे आगे सीधे पंजवी जाके अंग्रेजी पढ़ी जी, ठीक है, अब जाके फिर मोबाइल और लैपटॉप की तरफ गए, बच्चे तो पहले दिन से ही सिचुएशन में। तो मैं अपने जो मेरे साथ बच्चे काम करते हैं उनके साथ शेयर करता हूँ और कोई आर महसूस नहीं इस बात में मुझे होती कि जी मेरे को ये काम नहीं आता। मैं कहता हूँ हाँ यार मैंने ये काम नहीं आता, प्लीज मैं दसो यार। क्या बात है, आदमी को हर वक्त स्टूडेंट रहना चाहिए और सीखना चाहिए। अच्छा, ये तय कर लिया आपने कि अब एक्टिंग नहीं करनी है? नहीं, मैं करता हूँ। अच्छा, हाँ, कम, यस, कम क्यों? अभी मैंने बहुत असल फरा मसला ये है कि अभी पिछले साल मैंने कुछ 4 ड्रामे किए, तमाशील किए मैंने पाकिस्तान टेलीविजन से ही, प्राइवेट सेक्टर पे नहीं अभी। हाँ, एक जमाना था कि जब बहुत ताकत थी तो मैं टीवी को ड्रामे बना के भी दिया करता था। मेरा लास्ट प्रोजेक्ट था जो मैंने टेलीविजन को दिया था बना के प्राइवेट सेक्टर में, लाहौर जंक्शन, मोहम्मद कवी खान साहब उसका टाइटल रोल, शामिल, सुहेल समीर, सबा कमर, सो बड़ी अच्छी प्रोडक्शन और वो मैंने पाकिस्तान डाले। एक ज़माने में मुसलसल कर रहा था, फिर ये वक्त नौकरी ऐसी ये जालम है, ये प्राइवेट सेक्टर की नौकरी है, ये पैसे तो बड़े अच्छे दिन देने पर जान में चुका लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला है कि हाँ फुल कंसंट्रेशन के साथ आपको काम करना है। सेट सेट होता है जी, सेट कोई भी हो। हाँ जी, कोई भी सेट होगा वो सेट होगा, वो उसने काम लेने आपसे, वो आपको जिस चीज के पैसे दे रहा है वो आपसे काम लेगा। और आपको वैसे भी ईमानदारी की बात है कि आपको पैसे अगर किसी चीज के मिल रहे हैं तो हलाल करके जाएं। बिल्कुल, आप घर जाएंगे आपको ये सुकून होगा कि मैं अपनी नौकरी पूरी करके आया हूँ,
बाकी ऊपर वाला देख रहा है, फैसला उसने घर पे टाइम देते हैं, मतलब घर वालों को शॉपिंग के लिए लेके जाते हैं। हाँ, टाइम देने का मतलब शॉपिंग कराना है। टाइम होगा तो शॉपिंग। बड़ी बड़ी जनाना सी ये टाइम देना है, ये तो बीवियों का मसला होता है कि मुझे शॉपिंग नहीं कराई तो टाइम नहीं दिया। नहीं नहीं, ऐसे मेरी बीवी ये तो अकेली जाती है ना शॉपिंग के लिए। वो क्यों? हाँ, ये जाती है किसी मॉल में तो 30-40 दुकानें घूमने के बाद एक ब्रांडेड दुकान के आगे खड़ी होके ना पीछे मोबाइल निकाल के आई लव शॉपिंग, खरीदते कुछ भी नहीं है। तो जब ये कर रही होती है तो आप क्या कर रहे होते हैं उस वक्त? आप क्या कर रहे होते हैं? मैं वहाँ वो वैसे ही, जाहिर है मेरी भी शॉप है वहाँ पे। आप इनके पीछे पीछे मैं इनको देखता रहता हूँ। अच्छा ठीक है, रूबी आई है। आप मेरी बात सुने, गौर करें, इतनी लंबी बात की है, तन कुते हासा आया छोटी है संडे के संडे, क्योंकि वैसे भी सुबह 9 बजे से लेके भरा रात 8 बजे जब घर जाएंगे आप तो फिर क्या, फिर डेफिनेटली। लेकिन संडे ऐसा है कि उसके साथ फिर सारा दिन उनकी ख्वाहिश है, उनकी मर्जी पे संडे है कि नाश्ता कहाँ करना है, क्या करना है, वहाँ से शुरू करते हैं, फिर रात का खाना कहाँ जाके खाना है, क्या करना है, जो कुछ करना है मैं अवेलेबल। और यही यही ताकत देती है आपके रिश्तों को भी, और फिर आपके पास अगला पूरा हफ्ता होता है काम करने के लिए, हिम्मत और ताकत से और जज्बा भी आ जाता है। बिल्कुल। असल में एक चीज मैं जिंदगी में मिस करता हूँ, मेरी फैमिली में दूर दूर तक कोई इस काम से मैं नहीं है, तो मुझे आज भी जब भी मैं ये सोचता हूँ कि मेरी माँ ने मेरे बाप से डांट भी खाई, मेरे लेट आने पर ड्रामा कर रहा था, थिएटर कर रहा था और चीज़ों पर, तो मुझे बड़ा आज भी महसूस होता है कि यार ये मैंने क्यों किया। मैंने लेकिन अपने शौक की खातिर मैंने ये काम कर तो लिया, लेकिन उसकी कॉस्ट मेरी माँ ने पे की। सेकंडली, मैं हरगिज ये नहीं चाहता, अभी भी मेरी ख्वाहिश है कि मुझे जब मैं घर में जाऊँ तो मुझे कोई रोके, कोई टोके, कोई मुझे मना करे। अब वो बंदे ही नहीं रहे, कोई नहीं रहे। नहीं, मैं खुद भी सोचती हूँ कभी कभी, अभी फोन करने उन दोनों में से, उन दोनों में ना बाप रहा ना माँ रही, तो अब रोकने वाला कोई नहीं है। ये मेरे अंदर एक ऐसी चीज है जो मुझे अजीब सा लगता है कि यार मैं चला तो जाता हूँ घर में जाके बादशाह हूँ, बुढ़ी बेचारी ने की कहना या बच्चिया ने की कहना मैनू, लेकिन यार कोई तो रोके, कोई तो मैनू एक बारी कहे कि यार। मैं भी जब सफर करती थी ना, बस कर दे, थक गया होएगा, तू हुन आराम कर ले, कोई आए वो ये जो दूसरे रिश्ते हैं ना, ये रिश्ते से माँ बाप ही हैं जो ये कहते हैं कि बस कर दे, बहुत हो गई है, आराम कर, अपना ख्याल कर, सेहत का ख्याल कर, कोई गल नहीं। बीबी भी कहती है और पैसे, बच्चे भी कहते हैं वो फीस देनी है, वो चीज चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। हाँ, ख्वातीन तो इतना टेंशन देती है, मर्द बेचारा गंजा हो जाता है, यकीन करो। आज तक कभी औरत कोई गंजी हुई है? सुहेल साहब बताएं, ईमान से बताएं। औरत जो है ना, मज़लूम है मर्द, औरत को छुपाना आता है बहुत अच्छा। हाय वाह वाह, क्या खूबसूरत। अगर जिस दिन औरत बताने पे आ गई तो उस दिन बचे का कुछ नहीं। अच्छा, अभी बताती नहीं है जो बताती है? कुछ नहीं, औरत हमारे मुआशरे में औरत नहीं बताती हमारे। ये इस बात को आप माने कि हमारा जो अभी माँ का जिक्र उन्होंने किया है कि हमारे मुआशरे में जो घर चलते हैं ये माओं की, ये बहनों की तुफैल चलते हैं, उनकी दुआओं से भी और उनकी एफर्ट्स के जरिए से भी। इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी कंट्रीब्यूशन हम सबकी जिंदगियों में, अपनी अपनी जिंदगियों से, खुदा ना खास्ता अपनी अपनी माँ जरा निकाल के तो देखें पीछे बचता क्या है, कि हम में से कौन कहाँ पे खड़ा हो सकता है। बाप बड़ा अच्छा प्रोवाइडर है, बाप के बगैर जिंदगी अधूरी ने। वो क्या खूबसूरत सा शेर भी है ना कि बाप सिरां दा ताज मोहम्मद, मामा ठंडिया छा। तो ये कि ये तो रिश्ते बड़े खूबसूरत हैं, ये तो है। असल में कुर्बानी आपको देनी पड़ती है अगर आपको ज़िंदगी के अगले सफ़र में बेहतर अंदाज से सबको लेके चलना है। तो ये जो हम आपका जो सवाल था एक दरमियान में कि आप ड्रामे कम क्यों करते हैं या प्रोग्राम कम क्यों करते हैं, ये कैसे मैं लाइफ के सैचुरेशन पॉइंट पे आ गया कि जहाँ पर मुझे ये फैसला करना था कि आया मुझे अपना शौक ज़्यादा अजीज़ है या मुझे अपनी फैमिली ज्यादा अजीज है। ठीक है,
तो जो एक्टरों का हाल है, अगर मैं डिपेंडेंट इसी पे रह गया तो ना मेरे बच्चे पढ़ सकते हैं ना मेरी वो बाकी चीज़ें कर, तो मुझे अपने शौक को कंट्रोल करना। बहरहाल छोटे छोटे अल्फाज जो होते हैं इंसान को गुलाम बना देते हैं, जैसे कि कबूल है, कबूल है, कबूल है। ठीक है, आपके साथ हमें बड़ी हमदर्दी है, लेकिन आपको वो कबूल है अंडू करने का इख्तियार भी दिया गया है, उन्हें वर्त के देख लो, आजादी को ट्राई करके देखने आप। लेकिन जिसको इसने कबूल किया होगा उसके सामने ये जुमला नहीं कहेगा, सवाल ही ये यही बोल रहा है, ये यही बोल रहा है सर, सवाल ही पैदा नहीं होता। वंडरफुल टू हैव यू, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला और अपने पुराने दोस्तों से और लोगों से मिलकर बड़ा अच्छा लगता है। मानुसियत का जो एक खूबसूरती है ना, वो बड़ी पुरसकून है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आप पाकिस्तान टेलीविजन का शुक्रिया, ग्लोबल का, कि उन्होंने मुझे मौका फराहम किया कि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, और इतने प्यारे प्यारे लोग सब लोग बैठे हैं और अपने लोग हैं मेरे, मेरे पुराने लोग हैं, मेरे अपने लोग हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चिट चैट भी आपने इंजॉय की है, लेकिन वीकेंड एट ग्लोबल में आपको पता ना हम बहुत सारी महफिलें भी लगाते होते हैं, सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, इसलिए कि अगले प्रोग्राम में भी हो सकता है कोई बहुत सा हल्ला गुलाब को देखने को मिले। अल्लाह हाफिज़।